सो फ्रेंड्स, तो फाइनली आरडी पुरुष के फाइनल ट्रेलर को एक हिसाब से इवेंट को ध्यान में रखकर रिलीज किया गया था, जिसकी हाइप हिसाब से इतनी ज्यादा थी कि नो डाउट उसमें प्रभास के फैंस के साथ साथ प्रभु श्री राम के फैंस भी शामिल हो गए, जिस कारण से ये भीड़ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी कि कितनी ज्यादा है। और अगर इसके क्रेडिट की बात करें तो इसके क्रेडिट की पूरी जिम्मेदारी जाती है इस फिल्म की मार्केटिंग टीम को, जिनकी तरफ से जितनी भी इस फिल्म को लेकर मार्केटिंग फिल्म की कैंपेनिंग की गई है वो अब तक इतनी कारगर साबित हुई है कि वो कहते हैं ना कि तीर निशाने पे लग रहा है, तो सिचुएशन कुछ उसी तरीके की है। क्योंकि जो नेगेटिविटी इस फिल्म के फर्स्ट टीजर के रिलीज होने के बाद निकल कर आई थी, तो उसका फीडबैक लेते हुए मेकर्स की तरफ से इस फिल्म में जो इम्प्रूवमेंट डाली गई है, अगेन वो उनकी ऑडियंस के हिसाब से उन्हें ही टारगेट कर ये बात बता देती है कि उन्हें ये फिल्म 16 जून को थिएटर में देखने के लिए आना है। और अगर उन टारगेटेड ऑडियंस की बात की जाए तो उनमें यंगर के साथ साथ बच्चे भी आते हैं, और बच्चे अगर आएंगे तो फैमिली भी आएगी, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लो कि इस फिल्म की मार्केटिंग टीम की स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा अच्छी है। ऊपर से इस फिल्म की प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे रखने का काम करता है इस फिल्म का दमदार सभी जीएम, जो कि हाँ हमें इस फिल्म के फाइनल ट्रेलर में भी नजर आता है। बाकी फिल्म के गानों की तारीफ तो हो ही रही है, जिसके किस्से आपने भी सुन लिए होंगे। बाकी अब देखते हैं कि इन सब का कॉम्बिनेशन फिल्म में इंक्लूड कर थिएटर में किस तरीके से ऑडियंस को, वो कहते हैं ना, गूज़बम्प्स के मोमेंट दिए जाते हैं। क्योंकि अब इस फिल्म को जो काम करना था वो ऑलरेडी कर चुकी है, बाकी अब बचती है ऑडियंस की जिम्मेदारी, जिनके बलबूते पे ये फिल्म धीरे धीरे अपने बार को काफी ज्यादा हाई सेट कर देगी। बाकी पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी इस फिल्म को डेफिनेटली हिस्ट्री क्रिएट करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके की बड़े स्केल की फिल्मों की डिमांड तो हमारे इंडिया में बढ़ ही रही है, जिनका मेकर्स भी ध्यान रख रहे हैं और उनकी तरफ से इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी बात रही फिल्म के सीजीआई और वीएफएक्स डिपार्टमेंट की, तो उन्हें लेकर जो बात मैंने पहले भी की थी उस पर मैं अब भी अटल हूं, जिसके लिए बस आपको जाकर मेरी पुरानी वीडियो देखनी है, क्योंकि बार बार चीजों को रिपीट करने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी। इसलिए जो ऑडियंस को देखने के लिए मिल रहा है इस फिल्म के जरिए, उन सभी का फीडबैक बनता है कमेंट सेक्शन में, यानी आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।